नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पे एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और कई बड़े पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी 29 मई को यानी कि विधान परिषद का उपचुनाव है, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ नामों को लेकर चर्चा की गई है। वही कल 11 बजे सपा में बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के अधिकांश विधायक और सपा के पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। वही बैठक का हिस्सा रही गोरखपुर से सपा के मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं, इस दौरान काजल निषाद ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश भर से तमाम नेता आए थे। हमारे साथ गोरखपुर की मेयर पद की प्रत्याशी काजल निषाद है। मैम, आप हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने चुनावी रिजल्ट को आप धांधली का आरोप लगा रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई है, क्या कहेंगे? धांधली हुई है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी की पूरी धांधली हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये गढ़ है गोरखपुर। लगातार काजल निषाद ने मेहनत की, लगातार मैं चली और जैसे लग रहा था अकेले चली और कारवा बढ़ता गया। और मेरे जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं और कार्यकर्ता भाई बहन हैं, सभी और मेरी पूरी अपनी टीम और पूरा मेरा सम्मानित निषाद समाज और गोरखपुर की जनता मेरे साथ चली है। लोगों ने देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं लगातार दिन रात चली हूँ। मैं सुबह 6 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक चलती थी, मेहनत करती थी, और तो और चलने के साथ साथ मैं ज़मीनी हकीकत है जो वो दिखाती थी। मैं दिखाती थी कि देखिए यहाँ नाली भरी हुई है, यहाँ कूड़ा कचरा है, यहाँ जानवर जो है वो परेशान हो रहे, और जानवर भी परेशान होते हैं। हमें लगता है कि जानवर हमें परेशान कर रहा है, लेकिन जानवरों को भी चोट लगती है जब एक्सीडेंट होता है, तो उसका भी कोई उपाय नहीं करते। गौ माता के रक्षक ये बनते हैं, लेकिन गौ माता का कोई उपाय नहीं करता। ये साफ सफाई की बात करते हैं, लेकिन मंदिर का जो गौशाला है उसका पूरा गोबर जो है रसूलपुर की मार्केट जो है गोरखपुर में, अभी भी आवाज उठाती रहेंगी। हाँ, अभी भी अगर बात की जाए, आप मेयर नहीं बनी मगर वहाँ की समस्याओं को लेकर आप आवाज उठाती रहेंगी। क्यों नहीं, ये तो जमीनी हकीकत है, ये समस्याएं हैं। और मैं समाज सेवी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं नेता के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी हूँ। जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं तो तुरंत वीडियो बनाने लगती हूँ, और मेरे वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। मैं इनको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि बात आप पहुँचाते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बात हमारी पहुँचाते हैं, नहीं तो और गोदी मीडिया जो गोदी में बैठ गए वो बात पहुंचा नहीं रहे हैं। ज़मीनी हकीकत आप लोग दिखाते हैं, मैं कोटि-कोटि धन्यवाद आपको कहती हूँ। कैमरे के पीछे भाई मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से आप लोग दिखाते हो वो मैंने दिखाया था। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को डर लग गया था कि अरे बाप रे, अब 3-5 तो करना पड़ेगा। और 3-5 का मतलब सच में 3 और 5 हुआ, 3.5 लाख वोट का सच में 5 लाख वोट कर दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ही। बसपा में नहीं गया, कांग्रेस में नहीं गया, समाजवादी में नहीं गया, वहाँ 1 लाख बढ़ गया। अब चुनाव में कह रही है कि धांधली हुई है, क्या इस मामले को लेकर माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मुझे न्याय पर भरोसा है, मुझे संविधान पर भरोसा है, ये लोकतंत्र है। मैं जाऊंगी, जहां कुछ गलत होता है आप जाइए कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सारे सबूत आपके पास होने चाहिए, मेरे पास है। आप एक वीडियो के द्वारा कहते हुए नजर आई है कि पिछड़ा होने की वजह से मुझे हराया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं निषाद समाज से आती हूँ, मैं निषाद समाज की बहू हूँ, इसलिए मुझे हराया गया है। निषाद समाज से स्वर्गीय जमुना निषाद जी आते थे, उनको हराया गया था, लाइट बंद की 7,000 का ऊपर नीचे करके उनको हराया गया। प्रवीण निषाद जी आए थे जब समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर संजय निषाद के बेटे, उनको तुरंत रोक दिया गया था, काउंटिंग उनका रोक दिया गया था कि वो जीत रहे थे। तो फिर बहुत दबाव पड़ा तो फिर उन्होंने क्या, तो वो डर जाते हैं निषाद समाज से। निषाद समाज तो जागरूक होना ही नहीं चाहिए, निषाद समाज सवाल कैसे पूछेगा, निषाद समाज कैसे लड़ेगा, निषाद समाज को पद कैसे मिलेगा? निषाद समाज लाठी खाने के लिए बना है, ये गाली खाने के लिए बना है, ये चलहट चलहट थू थू करने के लिए बना है, ये कैसे आगे बढ़ जाएगा? मगर अभी आपने नाम लिया संजय निषाद की, वो सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार कहा जाता है कि निषाद समाज का उत्थान योगी सरकार में होते हुए हो रहा है, आप क्या कहेंगे उनके बयान पे? बराबर है, तो या तो निषाद समाज एक काम करे, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, तब तो इनको आरक्षण मिलेगा। मेरे ख्याल से संजय निषाद जी को मिल गया आरक्षण, भाई आरक्षण मिला है? मैं बताऊँ मिला है, तुम लोग गलत हो, नहीं मिला आरक्षण, मिला है निषाद समाज को, कितनी बार मिलेगा? देखिए मिला है संजय निषाद जी को मिला है, हाँ, एक ही घर को मिला है, पूरा जो भोजन भरी थाली जो थी
संजय निषाद जी अकेले डकार गए थे, लेकिन मेरे भाई जो वो थाली थी ना, उस थाली में जो रोटी थी ना, वो गेहूँ कोई और उगाया है, आटा कोई और साना है, रोटी कोई और पकाया है। उस थाली में अगर सब्जी पड़ी है ना, उस सब्जी को उगाया कोई और है, काटा कोई और छौका कोई और है। उस थाली में जितने व्यंजन है ना, वो निषाद समाज अपना पसीना से मेहनत करके वो थाली भरे थे, लेकिन अकेले ही डकार गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में रहे वो ठीक, भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर आप राम जी की माता पर लांछन लगाए तो ठीक। अगर मैं समाजवादी पार्टी से बोलूं कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय नमः, तो मैं गलत। तो यही बात है। तो मुझे एक बताइए, तो ये कांग्रेस भी खत्म हो जाए, बसपा भी खत्म हो जाए, समाजवादी खत्म हो जाए, सब भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाए, तब तो इनको अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपनी पार्टी है, सबके अपनी गरिमा है, अपना स्वाभिमान है। हम यहाँ है, हम यहाँ से लड़ते हैं। तो निषाद कमियां है क्या, वो निषाद समाज के लिए लड़ते नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे समाज को काम आएगा और समाज देखेगा। मैं बिल्कुल लड़ूंगी, इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहूंगी, आगे भी आप देखिएगा, सबका प्यार आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो हमारे साथ गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी काजल निषाद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें बड़ी धांधली हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भोजन भरी थाली में हर एक चीजों को हमारे समाज ने इकट्ठा किया था, मगर वो खाने का काम महज एक परिवार कर रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी विभांशु ने काजल निषाद से बातचीत की, और इस दौरान काजल निषाद ने प्राइम टीवी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्राइम टीवी जो है वो लोगों की बात सरकार तक पहुंचाती है, और काजल निषाद की बात भी प्राइम टीवी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि काजल निषाद ने किस तरीके से भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया था मतगणना के दौरान, और उन्होंने साफ तौर पर अब प्राइम टीवी के सामने ये भी कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई भी नजर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।